तो भाई आज दूसरा दिन है, गुड मॉर्निंग। और हमारे साथ एनवी सिंह जी हैं। दूसरे दिन में हम यहाँ से बनबसा से निकल रहे हैं और आज हम पहुँचेंगे हल्द्वानी। प्लान में थोड़ा सा चेंज है, तो हल्द्वानी पहुँच करके अब शायद हमारे साथ दो लोग और जुड़ जाएंगे हल्द्वानी से, और यात्रा का साधन भी बदल जाएगा। तो थोड़ा सा बदलाव होने वाला, चेंज होने वाला है। आगे वीडियो के साथ बने रहिए, देखते हैं कैसे कैसे हम पहुंचते हैं। तो आइए सीधे मिलते हैं आपसे बाइक पे, और बाइक पे ही सीधे सीधे बात करते हैं। तो हम जो है NHPC के इधर गेट से निकलेंगे। तो अब जाके कैमरा स्टार्ट हो गया है, अभी तक तो बंद था, और डिफेंस एरिया भी था तो हमने बंद कर दिया था। अभी टनकपुर जाना है, थोड़ा सा एक दोस्त से मुलाकात करनी है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। भैया आप लोग साइकिल से कहाँ से आ रहे हैं? फरुखाबाद से। कितना किलोमीटर है? 300 किलोमीटर साइकिल? अरे वाह, क्या बात है भाई, मान गए और साइकिल से जाएंगे। ओ भाई, तो रात को कहाँ रुकते हैं? अच्छा, मंदिर वगैरह हम रुकते हैं। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मस्त मस्त घूमिए। अरे तो नहीं, चलना चलना पड़ेगा भाई, कहीं कहीं फिसल जाए, कुछ हो जाए, चोट फोट लगने का डर। इसमें भी सब प्रोटेक्शन है, शोल्डर, ये बैग सब पूरा है ना। तो ये हमारे अजय भाई अभी ब्रश कर रहे हैं। बड़ा साफ सुथरा मकान भाई साहब, नीट एंड क्लीन, वेल मेंटेन्ड। तो अभी टनकपुर से निकलने का टाइम आ गया, अजय भाई से मुलाकात हो गई, काफ़ी दिन हो गया था मिले हुए। हेलो। बाय बाय तो कर दो, क्या नाम है? आद्या। बाय तो कर दो, नहीं बाय। ये रहा टनकपुर, और हमारे सामने है पिथौरागढ़ जाने वाला हाईवे, चंपावत और पिथौरागढ़, और आगे धारचूला, मुनस्यारी और तवा घाट। अगर लेफ्ट जाते हैं तो राइट साइड में पीलीभीत और बरेली, यहीं से सितारगंज वगैरह भी जा सकते हैं। इधर जो बिल्डिंग बनाने का लोगों का चलन है, वो खेतों में बीच में बनाते हैं, मतलब घर एक दूसरे से काफ़ी दूरी पे होते हैं, बीच में खेत आता है, तो फार्म हाउस कह सकते हैं, या इस टाइप का घर बनाते हैं लोग। ये लोग हमारे दाहिने और बाएं दोनों तरफ देखो, और घर के चारों तरफ खुली हवा भी रहती है, तो ये इस मामले में तो अच्छा है, क्योंकि जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होते हैं वो अच्छा नहीं है। फिर मार्केट आ गई है, डिवाइडर देख के लग रहा होगा, ऐसे लग रहा 4 लेन है लेकिन 4 लेन नहीं है, यहाँ तो है लेकिन आगे अभी रोड पतला हो जाएगा, ये आपको खुश करने के लिए 4 लेन। ये बकरी घूम रही है अकेले, बताओ। ये देखो, अरे यार क्या लौंडे यार, यहाँ तो बड़ा खतरनाक है। अरे गजब यार, कैसे लोग चल रहे हैं, पता नहीं ट्रैफिक सेंस है कि नहीं है, कोई कहीं भी मोड़ दे रहा है। और हम ही खटीमा में है अभी, क्यों कर रहे हैं ऐसा लोग? तो ये खटीमा का चौराहा है, हम चलते हैं सितारगंज की तरफ। ये सितारगंज वाला रोड है, हमको इसी रोड पर जाना है। खटीमा से थोड़ी देर चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं नानक मत्ता डैम, और हमारे पीछे बड़ा खूबसूरत सा डैम है, और आप नज़ारा देखिए, नानक मत्ता डैम का बहुत बड़ा डैम है,
और काफ़ी पानी भरा हुआ है, मछली पालन भी होता है और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है, नहरों को पानी जाता है। ये पहाड़ों का जो पानी है सारा इकट्ठा यहीं पे होता है और यहीं पे नानक मत्ता में ही बहुत बड़ा एक गुरुद्वारा साहिब भी बना हुआ है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है। मुझे तो गुरुद्वारे में बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है दिल को। और इसी के साथ साथ में आप इंजॉय करें ये नानक मत्ता डैम का। ये नीचे से पुराना रोड जाता है, हाईवे जो है काफ़ी वो दूर से निकला हुआ है, तो वो थोड़ा दूसरे साइड से निकला हुआ है, तो दूर से करीब 1-2 किलोमीटर का डिस्टेंस ज़्यादा बनता है। लेकिन स्पेशली ये जो व्यू है ये देखने के लिए ज़रूर यहाँ से लोग गुजरते हैं, तो इस मामले में अच्छा है। बहुत दूर दूर तक, मतलब जैसा लग रहा कोई समुद्र जैसा एरिया, और मुझे तो अच्छा लग रहा देख के। पानी बिल्कुल साफ है, नीला है, दिख रहा है थोड़ा ग्रीन और नीला दिख करके दिख रहा है पानी ना। तो ये आप देखें, बहुत दूर तक, और इसके उस साइड तो पूरा जंगल है, उधर मतलब कोई रोड भी नहीं है। गांव तो हो सकता है हो, लेकिन शायद उधर गांव भी नहीं है इसके उस साइड में। काफी दूर तक फैला हुआ है पूरा एरिया। यहाँ से नहर निकलती है, तो इस नहर को कंट्रोल करने के लिए ये एक बैराज बोलते हैं, जहाँ से कंट्रोल होता है, पानी को छोड़ा जाता है, कंट्रोल होता है। तो यहाँ से व्यू बहुत ज़बरदस्त आता है और रोड अच्छी है, तो लोग काफ़ी स्पीड में निकलते हैं इधर से। प्रवेश निषेध, बिना आज्ञा अंदर जाना मना है। हमारे लेफ्ट साइड में है पार्क, जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं सीढ़ियों से जा करके। और ये बैराज है, देखिए यहीं से पानी कंट्रोल होता है। ज़्यादा अगर हो जाए तो पानी पीछे बस भी आ रही है यार। ये पकोड़े शकोड़े बन रहे हैं यहाँ पे, देखो सरदार जी लोग खा रहे हैं पकोड़े। ये बांध बनाया गया, पानी रोका गया है, और ये इकोसिस्टम के लिए तो बहुत ही बढ़िया। इधर जंगल ही जंगल दिख रहा है इधर साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में पानी पानी दिख रहा है, जैसे लग रहा है समुद्र के आसपास है। तो ये डैम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी मार्केट भी देखिएगा आप, वीडियो में बने रहिए, मैं आपको मार्केट भी दिखाता हूँ। ये दिखा आपको नानक मत्ता मार्केट आ गई, ये मार्केट है नानक मत्ता, और यहाँ ये गुरुद्वारा साहिब के लिए यहाँ से राइट साइड में रास्ता गया। नानक मत्ता अभी जस्ट हमारे राइट साइड में था, और नानक मत्ता जाने का दूसरा जो दरवाज़ा है बस जस्ट देखिए, खूबसूरत सा दरवाज़ा बना हुआ है, यहाँ से जा सकते हैं। एक छोटा गुरुद्वारा यहाँ भी पड़ता है, और अंदर बड़ा वाला गुरुद्वारा तो बहुत बड़ा है। सितारगंज, ये सितारगंज बाईपास से निकला है बाहर रोड, जहाँ तक मेरा अनुमान है, क्योंकि मेरे समय बना नहीं था। तो हम लोग यहाँ से जो है सीधे शहर में चलते हैं, क्योंकि हमें जाना है दूसरे रोड पे, चोर गलिया। तो सितारगंज का मार्केट कुछ ऐसा दिखता है। तो ये वो चौराहा है जहाँ से लेफ्ट जाने पे आप बरेली रोड पहुँच जाते हैं, और हम चलेंगे राइट। ये सितारगंज को हल्द्वानी से जोड़ता है, या सीधे निकल जाता है ये काठ गोदाम। चोर गलिया है यहाँ से 20 किलोमीटर। रोड गायब हो गई है, पत्थर रह गया खाले नीचे, खतरनाक झटके लग रहे हैं। ये सिडकुल के, उत्तराखंड के सिडकुल की ये हाल है भाई, देख लो यार, इतनी ख़राब सड़क यार हमने देखी नहीं भाई। बैक बोन में जो है काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है इन गड्ढों की वजह से। अभी रोड अच्छी मिल गई, ए हाँ हाँ अब ठीक मिली रोड।
तो चलिए अब आप लोग जो है सिडकुल का नज़ारा देखिए आगे। एल्डिको सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क आपका स्वागत करता है। तो चोर गलियां है यहाँ से कुल 11 किलोमीटर। सारी फैक्ट्रियों के नाम लिखे हैं यहाँ, कम से कम मुझे लगता है सैकड़ों फैक्ट्रियाँ हैं। आप देखें ये मेरे राइट साइड में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। पुलिस चौकी सिडकुल है ये देखो, और मेरे राइट साइड में देखिए कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है इधर। और अब इस इंडस्ट्रियल एरिया का होता है एंड। अच्छा,